आप देख रहे हैं अपना समाचार। सुनिए सर, आज हम यहाँ पे साज और आवाज एक खास प्रोग्राम रखा है, कुछ बताना चाहेंगे साउंड और लाइट के बारे में? आज साज और आवाज एक विविध भारती पे बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था। आज के 30 साल पहले जब मैं गिटार सीखता था, बजाता था, प्रोफेशनली प्ले करता था, उस समय हवाइन गिटार पे ही सिर्फ साज और आवाज हुआ करता था, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट का 10-5% होता था। आज हवाइन गिटार बजाने वाले नहीं है, तो मेरे को सब मन में आई कि हवाइन गिटार को बाहर लिया जाए, इसीलिए मैंने साज और आवाज किया। साज पे मैं हूँ और आवाज पे मेरे फ्रेंड्स और मेरी वाइफ वो सब गाएंगे। और जरा कुछ अगर हम नेम आप लेना चाहें, नाम लेना चाहें अपने दोस्तों का, जब भी सुन ली आवाज़ को आज रात में सुन पाएंगे, उसमें पहले मेरी वाइफ गाएगी, सबसे पहले उसी का नाम लेना है, फिर संजय बेड़िया है, फिर मनोज क्षीरसागर है, फिर कुणाल कौशल है जी। और गेस्ट में कौन कौन आने वाले हैं आपका राजपुरोहित नाम लेना? गेस्ट में मंगल प्रभात जी आएंगे, राजपुरोहित जी आएंगे और दिलीप सेन जी आएंगे, अतुल शाह जी आएंगे और आलमगीर जी आएंगे, और भी वेरियस गेस्ट तो आने वाले हैं, इतनी लिस्ट अभी थोड़ी एक्साइटमेंट में भूल गया। सुनील सर, जरा गानों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से गाने हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है तो आज बनाए जाएंगे या जितने परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे? मेजॉरिटी गाने जो होंगे वो रेट्रो ही होंगे, मोस्टली 85 के पहले के होंगे। एक गाना नया पर्पजली लिया गया है कि नया गाना अभी इस पर कैसे आता है उसके हिसाब से। जरा ऑर्गेनाइजर्स के बारे में बताइए, आप बाकी जो लोग इस शो से जुड़े हुए हैं जिन्हें आप थैंक्स करना चाहो तो प्लीज। सबसे पहली मेरी टीचर मिसेस पुष्पा म्हात्रे, राज नायक जो ऑर्गेनाइज किया, संजय बेड़िया जिनका इतना मोटिवेशन रहता है, फिर मेरी फैमिली और मेरे दोस्त, उनका सबका इतना प्यार है कि उनका 1.5 साल से बार बार चले आ रहा था कि आप प्रोग्राम कीजिए, प्रोग्राम कीजिए, प्रोग्राम कीजिए। तो साज और आवाज़ पहले 19 नवंबर को किया था, 35 साल बाद सबका इतना रिस्पांस रहा, तो हमने अभी सोचा वापस से करें। मैं प्रेसिडेंट हूँ, थोड़ा सा इसलिए बहुत डिले हो गया, रोटरी प्रेसिडेंट के चलते बहुत जिम्मेदारियाँ थी। सुनील सर, जब आप परफॉर्म करते हो 35 साल बाद आपने फिर अब परफॉर्म कर रहे हो, उसका कौन सा वो गाना है जिसकी डिमांड ऑडियंस बहुत ज़्यादा करती है या जो आपके दिल की बड़ा फैन है? वो गाना खुद अपने आप में वैसा ही है जिसका नाम है प्यार हुआ इकरार हुआ, श्री 420 का है। आज बम्बई में हम लोग जैसे सब 420 ही है। अच्छा सुनील सर, 35 साल आप गिटार प्ले कर रहे हैं, इन 35 सालों में बॉलीवुड में नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आए, नए नए सिंगर्स आए, म्यूजिक की दुनिया बहुत बदली, आप क्या कहते हो ये बदलाव कितने हद तक अच्छे हैं और कितने हद तक ओरिजिनल म्यूजिक को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं? कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होती, सब न्यू चेंजेस तो कंपलसरी, एक पुरानी पुरानी चीज़ तो बहुत ख़राब लगती है। हालांकि मैं पुराने गाने बजाता हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में लगा हुआ हूँ, गानों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन गानों का नुकसान है, गानों का नुकसान नहीं, मेरा भी नुकसान है ये, लेकिन मेरे पास कुछ मजबूरी है, क्या करूँ। कुछ ऑडियंस से आप कहना चाहो जो आपके दर्शक हैं, जो आपको इतने लंबे गए पार एक बार फिर से सुनने के लिए उत्साहित होंगे? उनको कहने के लिए क्या है, म्यूज़िक के बिना ज़िंदगी नहीं है, म्यूज़िक के वापस से आना पड़ता है, 35 साल बाद कैसे महसूस होता है मुझे मालूम है। अपनी वाइफ को आप इनवाइट करना चाहते हो तो सरोज आप ही आइए भाई, आइए आओ आओ, ये मेरी बेटर हाफ है सर, सरोज हाँ, ये मेरी बेटर हाफ है, इनके बिना मैं कहीं नहीं जाता, तो यहाँ भी नहीं आ सकता था, इसलिए इनको साथ में रखना पड़ रहा है, कुछ नहीं करता मैं। सरोज मैडम आप बताइए जरा सुनील सर के बारे में, और जो आज हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं कुछ गानों को लेकर कुछ मतभेद होते हैं कि ये गाना नहीं ये गाना लिया जाए? नहीं, ज़्यादातर इनकी चॉइस सिलेक्शन एंड द फ्लो ऑफ द थिंग इज वेरी वेरी गुड। कौन सा कौन कौन से कुछ अगर गाने आप नेम कर सकें या फिर गुनगुना सकें जिन्हें आप परफॉर्म कर रहे हो आज? प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत अच्छा गाना लगता है, ही इज़ प्लेइंग द नागिन का धुन, इट्स वेरी गुड। मतलब मैं नहीं बोल सकती बिकॉज क्योंकि सारे गाने जो भी ये प्ले करते हैं बहुत अच्छे करते हैं। अच्छा सुनील सर, घर में भी म्यूजिक प्ले करते हैं आपके लिए या फिर? ट्रूली स्पीकिंग नहीं बजाते हैं, 35 साल तो उन्होंने छुआ भी नहीं और अभी भी बहुत कम बजाते हैं, हालांकि इनको बहुत शौक है म्यूजिक का बट बजाते नहीं है। थोड़ा बिजनेस की दुनिया में बोल रहे थे कि ज़्यादा कहीं गुमसा हो गया था, एक बार तो हो ही गए थे, फिर से वापस आए हैं और फैंस का जो रिएक्शन इनके लिए मिल रहा है, फैंस की जो अप्रिसिएशन मिल रही है, उसे आप कैसे देखते हो? मैं उसको बहुत अच्छे नज़रिए से देखती हूँ,
बिकॉज एप्रिशिएशन, किसी के पास कला है तो कोई एप्रिशिएट करेगा, और इनके पास तो उस इंस्ट्रूमेंट की कला है जो कि आज अपने हिंदुस्तान में, दुनिया में लुप्त हो रहा है, गिने चुने आर्टिस्ट बचे हैं, बहुत कम आर्टिस्ट हैं, और यही रीज़न है कि ये इस दुनिया में वापस से आए हैं, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अगर आप लोग इसको थोड़ा सा वापस से करो तो ये इंस्ट्रूमेंट जो लॉस्ट हो रहा है ये वापस से आ जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने वो चीज़ की प्रेरणा लेके शुरू किया। इट वॉज़ ए वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट इन फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन डिफिकल्ट होने से, पेशेंस नहीं होने से लोग नहीं बजा सकते। इट इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड और सिमिलर कॉम्प्लिकेटेड लाइक वायलिन, इट कैन सिंग एनी थिंग, दैट्स वाई आई कॉल इट सिंगिंग हवाइन गिटार, आई डोंट से इट हवाइन गिटार, सिंगिंग हवाइन गिटार। सुनील सर, अब आगे एक बार फिर से अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे या ऐसे साज़ और आवाज़ 3, 4, 5, 6, 10 हम देख पाएंगे? दोनों चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, साज़ और आवाज़ के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर नहीं है, म्यूजिक रखना है और बिजनेस रखना, दोनों काम कंपल्सरी है। थैंक यू सर, थैंक यू।